हेलो दोस्तों नमस्कार। उमे टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बहुत खास टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की किस्मत आज चमकने वाली है। अब कैसे चमकने वाली है, क्या सच में ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो पेंशन राशि है उसमें वृद्धि हो चुका है या कुछ और ही बात है, तो मैं आपको याद दिला दूं कि आज ही है 17/4/2022 और आज ही के दिन CWC यानी कि केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की आज बैठक होना सुनिश्चित किया गया था। आज 11:30 बजे से बैठक शिरडी महाराष्ट्र में होना सुनिश्चित किया गया था और बैठक की जो कार्यवाही है, जो बैठक कार्यक्रम है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। समय भी ज्यादा नहीं हुआ है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो थोड़ा एडिट करके आप तक पोस्ट करने में थोड़ा सा समय लग सकता है, इस वजह से आप तक ये वीडियो दोपहर तक पहुंच जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज के ही दिन CWC की बैठक है और क्या आज के दिन से ईपीएस 95 पेंशनर्स की किस्मत में किसी भी प्रकार का बदलाव होगा या ईपीएस 95 पेंशनर्स की आवाज उनके हलक तक ही अटक के रह जाएगी, क्या यह आवाज इतना ऊपर तक जाएगी कि जो लोग उच्च शिखर पे बैठे हुए हैं ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि कर सकते हैं उनके कानों तक पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी। तो ये सारे के सारे बातों को हम लोग रखेंगे, समाहित करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज है 17/4/2022 और आज ही के दिन में CWC की बैठक होने वाली है, यानी कि केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक आज के दिन शिरडी में होना सुनिश्चित किया गया था। आज समय था 11:30 और 11:30 से यह बैठक कब तक चलेगी इसका भी कोई अभी आंकड़ा टाइम सुनिश्चित नहीं हुआ है। हो सकता है कि शाम को 5 बजे चले या 3-4 बजे तक चले और इसमें कुछ मुख्य मुख्य जो ईपीएस 95 पेंशनर्स है उनके टॉपिकों के ऊपर चर्चा होगी। और मैं आपको इसी कड़ी में बता दूं कि 17 तारीख को CWC की बैठक जैसे ही संपन्न हो जाएगी, ठीक 18 तारीख को ENSC के टीम के द्वारा श्रेणी में एक बड़ा महाधिवेशन की तैयारी भी चल रही है, श्रेणी में एक महाधिवेशन भी होगा। अब मैं आपको बता दूं कि जो CWC की बैठक है उसमें बड़े बड़े लोगों को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है और जो जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं वो जो ENSC के सदस्य हैं जैसे कि अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय समन्वयक हैं, तो वो सब लोगों को भी CWC की बैठक में आमंत्रित किया गया है और CWC की बैठक में वो भी उपस्थित रहेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि CWC की बैठक में क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या ईपीएस 95 पेंशनर्स के जो मुख्य मांगे हैं उन मांगों को सुना जाता है या किन किन टॉपिकों के ऊपर चर्चा की जाती है, ये सारी की सारी जानकारी विस्तृत तरीके से हम आज के शाम के वीडियो में आप लोगों के साथ में जो तो दे देंगे, आप लोगों के बीच प्रस्तुत करेंगे। लेकिन जब तक वहाँ मीटिंग चल रही है, जब तक मीटिंग का माहौल बना हुआ है, मुझे लगा मैं एक वीडियो बना के आप लोगों के बीच में उपस्थित कर देता हूं, आप लोगों के बीच में आपको बता देता हूं, आपको जानकारी मुहैया करा देता हूं। तो अगर जो CWC की बैठक में वहां उपस्थित रहे हो, वह भी सदस्य जो हो हमारे YouTube चैनल को देख रहे हो, उनसे अनुरोध है, विनती है कि वो हमारे YouTube चैनल पे जो आपको दिखाई दे रहा होगा हमारा नंबर, उस नंबर पे हमें वहाँ की कुछ तस्वीरें और वहाँ की जानकारी भेज सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपको क्या लगता है कि CWC की बैठक में ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए कितनी जोरदार की आवाज़ उठाई जाएगी और कितना महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा, इसके ऊपर भी आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं और आपकी क्या राय है यह भी आप हमें बता सकते हैं और आप अनुमान भी लगा सकते हैं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए CWC की बैठक जो होने वाली है उसमें किन किन बातों को रखा जा सकता है। और शाम के वीडियो को देखना ना भूलिएगा क्योंकि आज शाम के वीडियो में CWC की बैठक में किन किन बातों को ध्यान में रख के किन किन बातों के ऊपर चर्चा किया गया है, वो सारे के सारे जो भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे अपने वीडियो में। तो दोस्तों आज के लिए बस यही था मुख्य अपडेट, ईपीएस 95 पेंशनर से संबंधित 17/4/2022 CWC बैठक से संबंधित। तो मिलते हैं दोस्तों इसी के बड़े और बड़े वीडियो में और पूरी टॉपिक ऊपर की क्या चर्चाएं हुई, किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए ईपीएस 95 पेंशनर्स के उच्च पेंशन को लेके किन किन बातों के ऊपर चर्चा हुई है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही था, मिलता हूँ किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।